होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 67 कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे देख लीजिए। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उससे मेंस पर क्वेश्चन आता है, पीसीएस जो मेंस में उससे क्वेश्चन आता है उस सेक्शन से। सेक्शन 68 आईपीसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सेक्शन 68 आईपीसी की हेडिंग है इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन द पेमेंट ऑफ फाइन। इम्प्रिजनमेंट को टर्मिनेट कर दिया जाता है जब फाइन का पेमेंट हो जाता है। तो इतना हमें इस हेडिंग से समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं, द इम्प्रिजनमेंट विच इज इम्पोज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन शैल टर्मिनेट व्हेन एवर दैट फाइन इज ईदर पेड और लिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। जब फाइन की पेमेंट हो जाती है तब वो तब जो वो इम्प्रिजनमेंट है वो उसको टर्मिनेट कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। अब इसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। बहुत सिंपल सेक्शन है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लो ये ऑफेंडर है, ठीक है। अब इससे अच्छा इंसान मुझे बनाना आता नहीं है, तो ये ऑफेंडर है, ठीक है। इसके ऊपर फाइन है 1000 रुपीज का, ठीक है। कोर्ट ने इसको फाइन लगा दिया इसके ऊपर 1000 रुपीज का, लेकिन अभी तक इसने फाइन जमा नहीं किया, तो इसको हो जाती है इम्प्रिजनमेंट। अब पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा है कि जब 100 रुपए के ऊपर का फाइन होता है तो कितने महीने की इम्प्रिजनमेंट होती है, 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट होती है। अब इसको हो गई 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट, 6 मंथ्स की इम्प्रिजनमेंट हो गई भाई जनाब को। अब ये 1000 रुपए के लिए जेल के अंदर तो चले गए, लेकिन 3 महीने बाद After 3 months, ये कहते हैं भाई कि आप ले लो पैसा और मुझे छोड़ दो, ठीक है। तो अब क्या ये 1000 रुपए जमा करेंगे? नहीं, 1000 रुपए क्यों नहीं जमा करेंगे, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि ये 3 महीने ऑलरेडी काट चुके हैं जेल में। तो अब जो आधा अमाउंट है, यानी कि समझ मान के चलो कि 500 रुपए का जो फाइन था उसकी पनिशमेंट ये काट चुके हैं। अब इन्हें कितना 3 महीने की पनिशमेंट का फाइन इन्हें देना होगा, यानी कि 500 रुपए और देने होंगे। 500 रुपीज इज टू बी पेड नाउ, ठीक है। जब वो ये पे कर देंगे तो हो जाएगा इनकी जो पनिशमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगी, तुरंत उस पनिशमेंट को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। फिर से एक बार समझिएगा, ये ऑफेंडर है, इनके ऊपर फाइन लगा है 1000 रुपीज का, जिससे 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट है इनको, जिसकी वजह से, ठीक है। 3 महीने बाद इनको भाई अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है, कहते तुम भाई फाइन रख लो, मुझे जाने दो, ठीक है। तो अब 3 महीने का जो 1000 रुपए हम अगर डिवाइड करें 3-3 महीने में, तो 500 रुपए हो गया। अब 3 महीने तो ये काट चुके हैं ऑलरेडी जेल में, तो अब ये कहेंगे कि 500 रुपए और हमसे ले लो और अब हमें जाने दो। क्यों 500 रुपए, सिर्फ क्यों 500 रुपए, था तो 1000 रुपए फाइन, सिर्फ 500 रुपए क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि देख मान के कोर्ट ये चलती है कि 500 रुपए की पनिशमेंट ये ऑलरेडी 3 महीने काट चुके हैं जेल में। अब जो बाकी के जो 3 महीने बचे हुए जो 3 महीने हैं उसका 500 रुपए फाइन बनता है, तो ये भाई दे दे और इन्हें टर्मिनेट, इनकी पनिशमेंट टर्मिनेट हो जाएगी, इनको रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये सिंपल सी बात बताई गई है सेक्शन 68 में, ठीक है। किस तरीके से ऑफेंडर को टर्मिनेट किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट से, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बता दिया करो। जो भी कोई डाउट हो आई विल श्योरली मेक अ वीडियो ऑन इट, और अगर नहीं तो मैं कमेंट में ही आप लोगों को रिप्लाई कर दूंगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को आगे के सेक्शंस और भी इंटरेस्टिंग लेक्चर्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच।